अधिष्ठान जल है, उसी में उत्पन्न होते हैं, उसी से जीवन है और उसी में उनका विसर्जन अर्थात मृत्यु हो जाती है। जैसे देखने में आता है मछली का जीवन किसमें पैदा होती है और किसमें जिंदा रहती है और मरकर किसमें लीन होती है, तो उत्पत्ति स्थिति और लय उसी में उत्पन्न होती है, उसी में अपना जीवन चलाती है, उसमें लीन हो जाती है। वो ऐसे ही तुम्हारा हमारा सबका आधार परमात्मा है, चैतन्य है, उसी में उत्पन्न होते हैं, उसी में जीवित होते हैं और फिर उसी में लीन हो जाते हैं। ये सारी सृष्टि उसी परमात्मा से सृष्टि काल में उत्पन्न होती है और फिर यही सृष्टि परमात्मा में अपने समय तक रहती है और फिर यही सृष्टि परमात्मा में लीन हो जाती है। ओम पूर्णमदः पूर्णिदम् पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। तो यहाँ एक परमात्मा के अलावा दूसरा कुछ भी, जैसे मछलियों का जीवन आधार जल है, ऐसे ही हम तुम सब प्राणियों का जीवन आधार एक परमात्मा है, उसी ने उत्पन्न हुआ, उसी ने हमको पालन किया, उसी में लीन हो जाते हैं। परमात्मा से ही उत्पन्न होते हैं, परमात्मा में ही स्थित रहते हैं, परमात्मा में ही लीन हो जाते हैं और जिससे उत्पन्न होते हैं, जिससे पालन होता है और जिसमें लीन होते हैं, वो कोई ईश्वर हमसे दूर अलग नहीं है बल्कि वो हम ही है। इसीलिए केवल ये उपनिषद के 17वें मंत्र में आया है, मय्येव सकलं जातं मयि सर्व प्रकल्पितं मयि सर्वं लयं याति तद अद्वय ब्रह्म अस्म्यहम्। अरे मुझसे ही सारा जगत उत्पन्न होता है और मुझसे ही इस जगत की स्थिति है और मुझमें ये सारा जगत लीन होता है। तो जिसमें उत्पत्ति स्थिति और लय होता है वो ब्रह्म अद्वय मैं हूँ, मैं हूँ, वो कोई अन्य नहीं है। यदि आकाश साकार होता, वायु साकार होती, तेज साकार होता, जल साकार होता, तो किसी चराचर का जीवन संभव नहीं होता। ये बिल्कुल स्पष्ट बात हो गई। अगर ये भूत साकार हो जाते तो किसी का जीवन संभव नहीं होता। और एक बात समझो, आज तक अनंत 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 काल से अनंत अनंत जीव मरे हैं, लेकिन कुछ मरा नहीं, कुछ मरा नहीं। आकाश उतना का उतना है, वायु उतनी की उतनी है, तेज उतना का उतना ही है, जल भी उतना ही है और पृथ्वी उतनी है। इतनी फैक्ट्रियां बनी, इतना लोहा निकलता, इतनी सीमेंट, इतने बिल्डिंग, इतने कारखाने, पर पृथ्वी का अगर तोलने की कोई मशीन हो तो एक पृथ्वी भर एक तिल मात्र भी वजन बड़ा नहीं। और कितना भयंकर दुर्घटनाएं होती है, ध्वंस हो जाते हैं, जल जाते हैं, कहीं भूकंप हुआ लेकिन एक रत्ती भर भी कुछ कम नहीं हुआ। केवल आकार बनते बिगड़ते हैं, रूप आकार बनते बिगड़ते हैं, लेकिन संसार में कुछ भी कम नहीं होता है। इसीलिए रामायण में आता है, अगुण सगुण दोई ब्रह्म स्वरूपा, ये निर्गुण तो ब्रह्म है, सगुण भी ब्रह्म है, क्योंकि दोनों के दोनों सदा से चले आ रहे हैं, इनमें कुछ कमी नहीं पड़ती है। तो यहाँ एक परमात्मा ही है और जिस सबको धारण किए हुए है, सबको अवकाश दे रहा है, जैसे आकाश ने सबको अवकाश दिया तभी सबका जीवन है, ऐसे ही ये सूर्य है या यह आपका आकाश वायु तेज जल पृथ्वी, ये निराकार न होते तो जीवन कभी संभव, ये निराकार है, इसलिए हमको खेलने की दौड़ने की वो आगे पीछे होने की जगह मिल रही है। साकार होते तो हम पत्थर की तरह बसे की जगह रहते। यदि पंचभूत में से कोई एक भूत भी पूर्ण साकार हो जाता तो दूसरे भूत को ही रहने की, गति करने की,
जगह ही नहीं मिलती। तब पंचभूतों के बिना शरीर एवं जीव के कर्म करने, फल भोगने एवं 84 लाख योनियों में भ्रमण का स्थान भी नहीं मिलता। तब न जीव होता है, न जगत, न ईश्वर होता है, केवल कोई एक ही भूत होता है। फिर भी बेचारा अकेला क्या करता, आत्महत्या ही कर लेता। जिस प्रकार व्यष्टि समष्टि पिंड व ब्रह्मांड के लिए आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी आवश्यक है, इसी प्रकार चराचर का आधार ही निराकार निश्चल मैं आत्म ब्रह्म हूँ। सभी आकार मेरे ब्रह्म स्वरूप पर ही आधारित है। जगत की उत्पत्ति, स्थिति तथा प्रलय की प्रक्रिया निरंतर चल रही है। मेरा न जन्म है, न मृत्यु, न कर्म है, न भोग, न मुझ में आना है, न जाना है। मैं समस्त चराचर के आवागमन का साक्षी, नियमन करने वाला प्रेरक असंग आत्मा हूँ। ऐसा निश्चय करना ही जीव के कल्याणार्थ मुख्य साधन है। तो हमें परमात्मा को पाने के लिए इस जन्मरण के भ्रम से छूटने के लिए केवल एक निश्चय करना और कुछ करना नहीं है। बस एक निश्चय करना है कि मैं चैतन्य अखंड आत्मा हूँ, न मेरा जन्म है, न मेरी मृत्यु है, और बल्कि मैं ही सबका आधार हूँ। ये सारी सृष्टि का आधार भी मेरे से ही उत्पन्न होता है, स्थित रहता है और मुझ में ही लय होता है, मेरे अलावा कोई नहीं। लेकिन ये जब मेरे की बात आती है तो तुम्हारी हमारी दृष्टि चमड़े पे आ जाती है, न हम ये ब्रह्म है चमड़े की दृष्टि से, न सबके जीवन के आधार है, बल्कि ये शरीर भी मेरे आधार से है। मेरे आधार के बिना ये शरीर भी नहीं। अगर ये जीवात्मा निकल कर चला जाता है तो इसको दो घर वाले मिलकर फिर आग में जला देते हैं कि गाड़ देते हैं, फेंक देते हैं। तो ये निश्चय करना है कि एकमात्र मैं आत्मा ही सत्य हूँ। देवताओं का पशु कौन? जो यह जानता है कि मैं ब्रह्म हूँ वह सर्व हो जाता है। अब जिसने जान लिया कि मैं ब्रह्म हूँ तो फिर कुत्ता और गधा और सांप और चूहा और घोड़ा ये कौन? जो ब्रह्म हो गया, जिसने ब्रह्म का अनुभव कर लिया, तो वो सर्व हो जाता है। सर्व है ना, उससे अलावा कोई दूसरा किससे द्वेष करेगा, किसकी गाली करेगा, किसकी निंदा करेगा, किसकी चोरी करेगा, किसकी हत्या करेगा, किसका विचार करेगा, सर्व हो गया। तो जो अपने को ब्रह्म रूप आत्मा रूप जान लेता है वो सर्व हो जाता है। ऐसा ही उपदेश ब्रह्मा जी ने एक बार जगत में फैलाया कि जो गुरु के निकट जाकर आत्मा को जान लेगा वो सर्व हो जाएगा, सब लोक भोग को प्राप्त कर लेगा। वो आत्मा न भूख प्यास वाला है, न जन्म मरण वाला है, न सुख दुख वाला है। बस जो गुरु के निकट जाकर आत्मा को जान लेगा वो सर्व हो जाएगा, उसको सब लोक भोग प्राप्त हो जाएंगे। तो लोक भोग किस रूप में प्राप्त हो जाएंगे? क्योंकि इंद्र में भी वही है, ब्रह्मा में भी वही है, पशु में भी वही है, पक्षी में भी वही है, तो वो सर्व हो जाए, इस रूप में वो सर्व हो जाता है। फिर वो अपने को एक ही देह में नहीं देखता है, वो दुखी गरीब में भी देखता है, तो सुखी राजा में भी देखता है, पशु पक्षी में भी, इस रूप में वो सबकी आत्मा हो जाता है। उस व्यक्ति को फिर कोई सता नहीं सकता है। सताता किसको है? जो अपने से दूसरे को अन्य जानता है। ऐसा उपनिषद में आया है कि भूत भी उसको सता नहीं सकते, क्योंकि वो भूतों की भी आत्मा हो गया। जो ज्ञानी होगा वह अच्छे की भी है और बुरे सबकी आत्मा हो जाता है, वो सर्व हो जाता है। फिर एक देह में अहंकार करके
नहीं रहता है, सब देहों का सुख मेरा ही सुख है और सब देहों का दुख मेरा ही दुख है, सबकी खुशी मेरी खुशी है और सबका दुख मेरा दुख है, ऐसे रूप में क्योंकि वो सब में अपने को देखता है। तो जो आत्मा का अनुभव करता है वो क्या हो जाता है, सर्व हो जाता है, सर्व हो जाते हैं, अपने को सब में फैला देता है, क्योंकि एक में ही नहीं देखता। जैसे अज्ञानी अगर अपने इस हाथ से कोई चाकू लग जाए तो फिर हम इस हाथ से इसको बदला अपने हाथ से ही पत्थर अपने पैर पे गिर जाए तो हम पैरों को तो दृष्ट है, हाथों को सजा, क्योंकि हम इसमें सर्व हैं। कान का दुख भी मेरा, आंख का दुख भी मेरा, जीवा का दुख भी मेरा, अंग अंग। तो जैसे एक शरीर में अज्ञानी अपने को सर्व देखता है, फिर इसी को बढ़ाकर शादी कर ले तो फिर पत्नी के साथ अपने को सर्व कर लेता है, फिर पत्नी के साथ में उसके पिता माता ससुराल को भी अपने में जोड़ लेता है, फिर अपने को सर्व, तो बच्चे पैदा हो गए तो फिर बच्चे में अपने को जोड़ लेता है, फिर वो अपने कोई नौकरी वगैरह करता है कोई डिपार्टमेंट में तो उससे अपने को एक कर लेता, मैं सुपरिटेंडेंट, मैं डायरेक्टर, मैं सेक्रेटरी, मैं मैनेजर, फिर उससे भी ज्यादा बढ़ता है तो फिर अपना वो कहीं कलेक्टर बनकर और कहीं सेक्रेटरी बनकर और बढ़ते बढ़ते पूरे राष्ट्रपति बन जाता है। तो अपने को फैलाता जाता है, पहले एक शरीर में मैं भाव रखता है फिर उसको बढ़ाते बढ़ाते, ये सांसारिक दृष्टि से ऐसे ही जब मैं चैतन्य हूँ तो केवल इसमें ही नहीं सर्वरूप मेरे ही है।